आणि आजपासून महाराष्ट्राचं एक नवीन वर्ष सुरू होतं, मराठी नवीन वर्ष सुरू होतं. तर सगळ्यांना मराठी नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. चेंजेस चाहिए लाइफ में. गुड मॉर्निंग गाइज, आप सभी का हमारे नए व्लॉग में स्वागत है. आज का दिन हमारे लिए बहुत स्पेशल है. महाराष्ट्र में आज गुड़ी पड़वा मनाते हैं. महाराष्ट्र से बाहर भी गुड़ी पड़वा मनाया जाता है अलग अलग नामों से. मुझे पता नहीं वहाँ पे त्यौहार के नाम क्या होते हैं, पर महाराष्ट्र में गुड़ी पड़वा म्हटला जाता. आणि आजपासून महाराष्ट्राचं एक नवीन वर्ष सुरू होतं, मराठी नवीन वर्ष सुरू होतं. तर सगळ्यांना मराठी नवीन वर्षाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सबको मराठी न्यू ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं. मम्मी की बैकपैक हुई. अभी त्यौहार मनाना है तो त्यौहार हम यहाँ पे नहीं मनाते, त्यौहार हम मनाते हैं दादर में, चौल में. यहाँ पे भी त्यौहार मना सकते हैं, लेकिन चौल में जिस तरीके से त्यौहार मनाया जाता है, दिल से त्यौहार मनाया जाता है, वो उसकी बात ही कुछ अलग है. मम्मी लपन टू मला काहीतरी सांगायचं आहे. जगातील कोरोनाचं संकट टाळून सर्वांना निरोगी आयुष्य लाभो, हीच या शुभदिनी आपणा सर्वांना शुभेच्छा. पूरा सुना सुना लग रहा है. ग्राउंड तो बंद है ना, खेलने के लिए अलाव नहीं है. हाँ लॉक ही है वहाँ पे. कार के लेफ्ट वाले टायर में शायद से हवा कम है. वहाँ पे एक छोटा सा पंक्चर निकाला है मैंने 15-20 दिन पहले, तो पंक्चर हल्की हल्की हवा छोड़ रहा है. चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है. 4-5 दिन में 2-3 PS ड्रॉप कर रहा है, तो उतना तो चल जाएगा, कोई दिक्कत वाला काम नहीं है. उस पंक्चर को ठीक करने के लिए वहाँ पे फिर से पंक्चर करना पड़ेगा और उसे ठीक करना पड़ेगा. वैसे भी अगर रोड पर वो टायर प्रॉब्लम देगा तो अपने पास टायर इन्फ्लुएटर तो है. वेदर देखो कितना अजीब हुआ है ना, धूप है ना छाप है, क्लाउडी क्लाउडी वेदर, और ऐसा वेदर थोड़ा आलस वाला लगता है. ऐसे लगता है घर बैठो, किधर बाहर मत जाओ. कितना अच्छा त्यौहार है आज और वेदर क्या धक्के दिखा रहे हैं. हम एक 2 मिनट रुकना, थोड़ा एयरटेल की गैलरी में काम है, आता हूँ मैं. दिनों पहले मैंने आपसे शेयर किया था, अगर आप टोलबूथ क्रॉस कर रहे हो और आपका फास्टैग ठीक से काम नहीं कर रहा है, लेकिन आपके फास्टैग में पैसे हैं, तो आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं. मुझे ऐसे टोलबूथ वाले ने ही बताया. लास्ट टाइम मेरा फास्टैग ने काम नहीं किया, मेरे फास्टैग पर 300 रुपीज़ बैलेंस था, तो भी उन्होंने मेरे से टोल नहीं लिया, मुझे छोड़ा. तो अगर आपको कहीं पर आप टोल क्रॉस कर रहे हो तो ये चीज़ आप भी ध्यान में रखना. जितने भी जुगाड़ होते हैं इंडिया में ही होते हैं. ये पहला वाला ट्रक है वो बंद है, पीछे वाला ट्रक है वो उसे धक्का मार रहा है साइड में पार्क करने के लिए. ये लोग को यहाँ पे खेलना है तो गाड़ी आगे लगाता हूँ थोड़ा. आपको लास्ट टू लास्ट व्लॉग में बोल रहा था गाड़ी पे स्क्रैचेस आने का रीजन तो ये लोग है. रडतोय तो अजून. बॉल मागे गेला, तुला आधीच सांगितलं. कशाला फोटो समोर बॉल पडते, बॉल आणते आई पॉवर. चौल का क्रिकेट अपनी जगह पे मजेदार होता है. जो मजा आता है यहाँ पे क्रिकेट खेलने में, क्रिकेट कम खेलते हैं, झगड़े ज्यादा करते हैं. भगवान की पूजा भी खत्म हुई, आज से नया साल माना जाता है, तो आज का दिन बहुत जरूरी होता है. मैंने थोड़ी देर पहले आपको जो शॉट दिखाया वो उसे गुड़ी कहते हैं महाराष्ट्र में, और गुड़ी आज के दिन गुड़ी खड़ी करते हैं. तो ये बहुत मस्त वाला माहौल रहता है. बस अभी मीठा मीठा खाने मिलेगा कुछ ना कुछ. मम्मी अभी बाहर गई है, मुझे भी कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है. आने वाले दिनों में 7 दिन या 15 दिन महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगने वाला है, तो उसके लिए बहुत सारी घर वाली जो चीज़ है उसकी शॉपिंग करनी है. घर पे सब चीज़ें रखना ज़रूरी है, बिकॉज अभी 15 दिन बाहर नहीं निकलना, और मैं नहीं चाहता कुछ रीज़न के लिए मम्मी घर से बाहर निकले. और कई कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो मम्मी खुद लाती है. अगर मैं बोलूँगा मम्मी नहीं मैं ये चीज़ आपको ला के देता, तो मम्मी को नहीं चलेगा. तो बेहतर है आज के दिन ही वो शॉपिंग ख़त्म करना है, ताकि मम्मी 15 दिन घर से बाहर ना निकले. माहौल बहुत ख़राब है, लेकिन सब ठीक होगा.
पॉजिटिव रहना है, सब ठीक होगा। लास्ट टाइम जब शिफ्टिंग कर रहा था तो सारा सामान मैंने ऐसे ही ऊपर ऊपर डाल के रखा था। ये ईटीडी का कवर है, ईटीडी का कवर मुझे टाइगर को देना है। मेरे पास पहले, अभी तो मैं सोनी A7III यूज़ कर रहा हूँ, इससे पहले मैं ईटीडी यूज़ करता था। ईटीडी मेरा टाइगर के पास है, कुछ दिनों पहले मैंने व्लॉग में दिखाया था, उसने अपने कैमरा को लाल तोते वाला कवर पहना के रखा है। अभी ये कवर मैं उसे लगाऊंगा तो वो और अच्छा लगेगा। ये कवर मुझे खुद को भी पसंद है लेकिन उसे टाइगर को पसंद नहीं है। टाइगर बोलता है ये कवर से अच्छा वो लाल तोता अच्छा लगता है। ये बॉक्स को मैं कब से ढूंढ रहा था तो फाइनली ये बॉक्स मुझे मिल गया। ये बॉक्स में ऐसी चीज़ें हैं जो कहीं नहीं मिलेगी। ये जो आप देख रहे हो 30 रुपीज़ का रिचार्ज है लूप का। अगर आपको पता होगा तो कॉलेज के टाइम पे BPL बहुत फॉर्म में था। लूप 10 वाला गैंग 10 का गैंग कुछ ऐसे ही बोलते थे, 10 पैसे में एक सिंगल कॉल। अभी तो फ्री कॉलिंग चलती है लेकिन वो टाइम पे वो 10 का गैंग बनाने में जो मज़ा आता था। ये कूपन की एक स्टोरी है। ये बक्से में जितनी भी चीज़ें देख रहे हो आप, ये एक पत्ते पर जो मैसेज लिखा है, ये 1 रुपये की नोट, ये किचन, ये जितनी भी आप चीज़ें देख रहे हो हर एक चीज़ का एक मतलब है, हर एक चीज़ की एक अपनी अपनी स्टोरी है। लेकिन वो स्टोरी बताने का ये सही टाइम नहीं है। एक दिन आएगा जहाँ पे मैं ये सारी स्टोरी आपसे शेयर करूँगा, उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ये किसने दिया है और उसके पीछे की स्टोरी क्या है वो मैं एक टाइम आने के बाद बताऊँगा। अभी अगर मैं बताऊँगा तो वो स्टोरी इतना लिंक नहीं होगा, पहले वो बंदे को सामने आने दो, उसके बाद उसके पीछे की स्टोरी सामने आएगी। आपके लाइफ में भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं तो उसे संभाल के रखो। जब टाइम बीतता है 10 साल 15 साल गुजर जाता है, उसके बाद वो चीज़ों की अहमियत 10 गुना बढ़ जाती है, वो प्राइसलेस बन जाती है। वो चीज़ों से जो मेमोरी ताज़ा होती है कितना खुश, मतलब अभी भी मैंने वो चीज़ें देखी तो मुझे वो टाइम की चीज़ें याद आई कॉलेज में। हाँ ये ऐसे होता था वो ऐसे होता। फोटोज़ की जगह अपनी जगह पे फोटो जैसे मेमोरी रिकॉर्ड करता है, वैसे भी ये चीज़ें अपनी अपनी मेमोरी रिकॉर्ड करती है। वो पल आपके सामने लाइव हो जाता है। कुछ चीज़ें ढूंढ रहा था लेकिन क्या मिला, देखो हमारे यहाँ का पुराना गणपति का फोटो, जो गणपति बैठता है पंडाल में उसका फोटो, और एक मेरे स्कूल टाइम का फोटो जिसपे मैं साइकिल पे हूँ। ये शायद से 8 या 9 स्टैंडर्ड का रहेगा। नई गाड़ी है, नई गाड़ी पे झगड़ा चल रहे हो लोग का। पीछे ट्रैफिक से निकलते 7:30 हुए, हमें लगा हम लोग जल्दी निकलेंगे। अभी 8 o'clock पे यहाँ पे लॉकडाउन लगता है तो जल्दी पहुँचना पड़ेगा ठाणे। वैसे ठाणे पहुँचने में 45 मिनट्स लगते हैं, 45 मिनट्स से पहले ये टाइम पे हम लोग नहीं जा सकते। अगर ये लेट नाइट होता या अर्ली मॉर्निंग होता तो हम लोग जा सकते थे, लेकिन अभी तो नहीं जा पाएंगे। गाड़ी में इतना सारा सामान डाल के रखा है, मैं ठाणे जब उतरूंगा तो आपको दिखाता हूँ। इतना सारा सामान डाला है, मुझे ऐसा लग रहा है मम्मी के हिसाब से 15 दिन का नहीं 1 महीने का लॉकडाउन लगने वाला है। टाइम हुआ है 8:10, कहीं पर ट्रैफिक नहीं लगा, फटाफट हम लोग यहाँ पे पहुँच गए। अभी वीस्ट्रॉम को देखा तो एक चीज़ याद आई, वीस्ट्रॉम का जो सेकंड कवर है वो मैंने कार के बूट में रखा था, वो मुझे दादर में रखना था और वो भूल गया मैं। जस्ट मैंने अभी न्यूज़ देखे, महाराष्ट्र के CM ने डिक्लेयर किया है महाराष्ट्र में 15 डेज़ का लॉकडाउन लगने वाला है। ये मैंने आपसे पहले भी शेयर किया था, लॉकडाउन लगने के चांसेस है। इंडिया की कंडीशन भी बदतर होती जा रही है, शायद से इंडिया में भी बहुत जगह पे लॉकडाउन लगा है सुनने में, कई जगह पे नाइट कर्फ्यू लगा है, तो सिचुएशन ख़राब होने वाली है। पॉजिटिव रहो, सब अच्छा होगा, सब ठीक होगा। ये बुरा पैच है, बुरा टाइम है, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो बस गाइस, आज के व्लॉग में हम लोग यहाँ पे रुकते हैं। आई होप कि आपको हमारा आज का व्लॉग पसंद आया होगा, आज का कंटेंट अच्छा लगा है तो भी हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। अपना ख्याल रखना, घर से बाहर निकल रहे हो तो मास्क, सैनिटाइज़र और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखने का कोशिश करो। बस मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर।